सिकरीगंज के डेरवा टीकर शराब भट्टी के सामने हुई हत्या का पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का मूल कारण जमीनी विवाद रहा है, जिसमें 6 के विरुद्ध सिकरीगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें से 2 अभियुक्तों श्याम उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय तथा गोरख पुत्र ओरी प्रसाद निवासी जगन्नाथपुर थाना सिकरीगंज को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को मृतक अशोक कुमार सिंह अपने साथियों के साथ शौचालय बनाने के लिए ईंट का भाव तय करके आते समय दोहरा चीकर शराब भट्टी के सामने पहले से घात लगाकर अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा सिकरीगंज थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सिकरीगंज के जुमरी खास गांव निवासी 42 वर्षीय अशोक सिंह पुत्र राजकुमार सिंह अपने गाँव के प्रधान गुड्डू सिंह के दोहरा गांव स्थित निर्माणाधीन मकान की देखरेख करते हैं। वह उस मकान से अपने घर बाइक से आ रहे थे कि रास्ते में डेहरी खास गांव के देशी शराब की दुकान पर रुक गए। इसी दौरान वह मौजूद उनके गांव के कुछ लोगों से जमीनी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद उन्हें सिर में गोली मार दी गई। जांच करने पर पता चला कि गोली मारने के पीछे जमीन की रंजिश बताया गया। गांव के प्रधान सुरेश और गुड्डू सिंह उनके पटीदार हैं और जो मकान बनवा रहे थे वह विवादित थी और संदीप उपाध्याय से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने 6 के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। उसमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया तथा अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार शुक्ला, थाना सिकरीगंज उप निरीक्षक रवि प्रकाश यादव, उप निरीक्षक चंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल हिमांशु सिंह, कांस्टेबल भानु प्रताप मौर्य, विजय कुमार सिंह तथा थाना सिकरीगंज पुलिस शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने कहा, सोनू वस्तुतः रहते हैं बाहर, लेकिन इसी घटना में आए थे जब समझौता होकर बनने लगा, फिर इनके बाप ने इनको भेज दिया था। 9 मार्च को थाना सिकरीगंज में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें नकौड़ी गांव के अशोक सिंह, जो कि वर्तमान प्रधान के चचेरे बड़े भाई हैं, उनकी हत्या जगन्नाथपुर में शराब के भट्टी के पास हो गई थी। मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर थाना सिकरीगंज में हत्या का अभियोग दर्ज हुआ था। नामित 6 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुलिस टीम ले गई है। शेष 4 की गिरफ्तारी और घटना में प्रयुक्त आतला कत्ल की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। अति शीघ्र ये कार्यवाही भी पूरा कर ली जाएगी। कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, कोई इस तरह का बड़ा गंभीर तो नहीं है, लेकिन एक अभियुक्त है जिसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, दूसरे के खिलाफ 1 मुकदमा है, और ये एक्सीडेंट का है, मारपीट का है, और तीसरा मुकदमा जो अब लिखा गया है ये 302 IPC का है। तो पुराने कोई गंभीर मामले नहीं हैं इनके खिलाफ।